और 1 साल से मेरे को घर से बाहर निकाल दी बहू बेटे ने। मैं रिश्तेदारों के यहाँ यहाँ से वहां भटक रही हूँ सर, ठंड में खतरा है। बिल्कुल तुम लोग ऐसे ही बोलती हैं कि हम रखेंगे अच्छे से, पर उन लोग बहू का बिल्कुल विश्वास नहीं। कॉलोनी वाले से आप पूछ लीजिए सर, मैंने कॉलोनी वाले को बुलाई यहाँ थी। पे कौन बोल रहे हैं कि सुलह करने के लिए आप नहीं जी तैयार, नहीं मैं नहीं रह क्योंकि सकती, इस वर्डिंग खतरा में है, बोला खतरा इसलिए। है इनसे बहू बेटे से सर। कहाँ वहां कोर्ट यहाँ में कोर्ट में क्या इनको समझाइए, पास जाके समझाइए। कोर्ट में बहू बेटे को बुला के एक बार आप सुलह करना चाहते सलाम हैं? नहीं करना चाहते उनसे, बिल्कुल नहीं, खतरा है अब उनसे। ये ओल्ड एज जो मदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड करे और एक यहाँ अटेंड करे, और कोर्ट को मिसलीड किया है यहाँ। इसमें नोटिस के लिए नोट 39 में जी क्या है, लो, क्या मैटर क्या है, नोट सिर्फ सीनियर सिटीजन का है। नोट क्या है सीनियर सिटीजन का, 16/9/2022 पर लॉट है, 16/9/2022 लॉट है। क्या 16/9/2022 एंड एज अ P1 लेकिन मदर ने अपने पुत्र के अगेंस्ट मेंटेनेंस के लिए लगाया था, और उनका ये कहना था कि हमारे संपत्ति से उन्होंने बेदखल करने के लिए लगाया था। तो 16/9/2022 को लॉर्डशिप ऑर्डर हुआ था, फिर उसके बाद फिर उसमें लॉर्डशिप आदेश हो गया कि घर खाली कराया जाए। आपको ना जी आप फिर उसके इसके लॉर्ड सिर्फ हम इकलौती संतान है, और हमारा बस इतना सम विजन था कि हम अपनी मदर का प्रॉपर देख रेख कर रहे थे। नहीं जब फिर माता जी को क्या जरूरत पड़ गई आपके खिलाफ लगाने की, लॉर्ड सिर्फ इनकी पुत्रियां भी हैं, तीन तीन पुत्रियां हैं, तो एक ही इकलौती संतान है और मकान है, तो उन पुत्रियों का भी कहना है कि इसमें हमें भी दिया जाए। और वो वृद्ध मदर है तो वो अपने पास, दैट इज नॉट अ ग्राउंड। आपने कुछ उनके साथ में अभद्रता की होगी, ये सीनियर सिटीजन वाला है ना, ये सीनियर सिटीजन वाला है, उपलब्ध है क्या? यस मैडम, बुलाइए सामने बुलाइए। यस मैडम बताइए जो अपनी परेशानी। सर मेरी बहू मेरे को बहुत परेशान करती है सर, बहुत हाथ काटती है, कहीं फांसी में लटकती है सर, पुलिस की धमकी देती है और मेरे को जेल भेजाने की धमकी देती है सर। और 1 साल से मेरे को घर से बाहर निकाल दी बहू बेटे ने। मैं रिश्तेदारों के यहाँ यहाँ से वहां भटक रही हूँ सर, ठंड में। मेरा घर मेरा पति का घर है सर, बनाया हुआ। मैंने अपने बेटे को सर्विस दी हूँ, मैंने अपनी पति की सर्विस, आप ही सर थे मेरे पति, उसकी सर्विस बेटे को दी, जिससे वो 80,000-1 लाख रुपए कमा रहा सर। मेरे को घर से निकाल दिए बाहर। आपको पेंशन मिलती है? जी लॉर्डशिप पेंशन मिलती है लॉर्डशिप। ठीक है मैम, कुछ है नहीं इसमें लॉर्डशिप। एक ये अपनी पुत्रियों के साथ रहती है, और जबकि हम इनको दो मिनट लॉर्डशिप, जबकि हम रखने की जरूरत ही नहीं, वो उनका घर है। लॉर्डशिप बनवाया था आपने, बनवाया कि आपके पिताजी ने बनवाया था? पिताजी ने बनवाया था लॉर्डशिप, हमारे आपके पिताजी, हमारे पिताजी ने बनवाया था लॉर्डशिप। 100 वर्जित इनकी पुश्तैनी नहीं है, और इनके नाम से भी नामांतरण नहीं है। हमारा सिर्फ संविधान इतना था लॉर्डशिप कि हम रखने के लिए तैयार थे, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में हमें लॉर्डशिप बनाने के लिए इजाजत दे देते थे, और सेकंड भूतल में ही रह जाते। बाकी बात है, जब आपका व्यवहार अच्छा होगा तब सब मिलेगा लॉर्डशिप। लॉर्डशिप हम तो ऑलरेडी रखने के लिए ही तैयार थे लॉर्डशिप, रखने का स्कोप ही नहीं है मैडम। हम इकलौती संतान लॉर्डशिप, हमारे भी बच्चे भी संतान कहाँ है, आपकी बहने भी तो है। इकलौती संतान का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो अदर चाइल्ड लॉर्डशिप। अभी हमारा संविधान इतना से है कि हम एक ही मकान में रह रहे हैं, हमारे पास कुछ भी अभी रहने के लिए नहीं है। बच्चे भी लॉर्डशिप हमारे पढ़ रहे हैं अभी, कुछ दिन के लिए लॉर्डशिप हमें थोड़ा सा उसमें टाइम दे दिया जाए। तो महीने का टाइम दे देते, एक महीने में खाली कर दीजिए, मैडम से पूछ के देते एक महीने का टाइम, और लॉर्डशिप जनवरी के पहले खाली कर दीजिए मकान। मेरा इतना लॉर्डशिप संविधान था कि फैमिली मैटर था, थोड़ा सा मेडिएशन के लिए हो जाता, दोनों माँ और बेटी तो बैठी हुई है वो लॉर्डशिप। भी हमारे पक्ष कि अपने बेटे से सुलह बात करने के लिए मेरे कान में सुनाई नहीं देता। आपको बताइए क्या ये अपने बेटे के साथ बैठ के बात करने के लिए कोर्ट में तैयार है? क्या यहाँ बात कर सकते बेटे बहू से? जी सर कर सकते हैं, हम सकते तो लिखिएगा श्रीमती सविता चौधरी, श्रीमती नहीं सविता, मिस सविता चौधरी लर्नेड काउंसिल फॉर दी पिटिशनर श्री। हाँ बोलो, एक सबमिशन था माय लॉर्ड, अभी मेरा पावर फाइल नहीं है, मैं गया था तो कर देना, कर देना बताइए। रॉन्ग वो है, सुलह करने के लिए बोल रहे हैं कि सुलह करने के लिए नहीं जी नहीं मैं नहीं रह सकती, खतरा है, बोला इसलिए खतरा है इनसे बहू बेटे से। कहाँ वहाँ कोर्ट में इनको समझाइए, आज जाके समझाइए। क्या कोर्ट में बहू बेटे को बुला के एक बार आप सुलह करना चाहते? सलाम नहीं करना चाहते उनसे,
बिल्कुल नहीं, खतरा है अब उनसे नहीं, कोर्ट में, कोर्ट में तो कोई खतरा नहीं, कोर्ट में आप चाहती हैं कोर्ट में उनको बुला के बात करने के लिए आप तैयार हैं? खतरा है उनको, बिल्कुल। तुम लोग ऐसे ही बोलती हैं कि हम रखेंगे अच्छे से, पर उन लोग बहू का बिल्कुल विश्वास नहीं। कॉलोनी वाले से आप पूछ लीजिए सर, मैंने कॉलोनी वाले को बुलाया यहाँ पे कोर्ट में साहब। मेरा सबमिशन ये था माय लॉर्ड कि ऑलरेडी 16/9/2022 का ऑर्डर है और कलेक्टर साहब ने इसी जो एमपीयू ने ऑर्डर दिया है उसमें इन्होंने ये कहा था कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं मुझे समय चाहिए, तो ऑलरेडी 2 मंथ का 60 डेज का ऑर्डर दिया है इनको वैकेट करने का, तो 60 डेज के ऊपर 90 डेज हो गए फिर भी इन्होंने वैकेट नहीं किया। साइमल्टेनियसली एक यहाँ प्रोसीडिंग लगा ली और यहाँ के पहले सेम ग्राउंड पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक प्रोसीडिंग लगा दी पिटीशन की। अच्छा, ये प्रोसीडिंग पहले की है, तो मतलब ये ओल्ड एज जो मदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड करे और एक यहाँ अटेंड करे, और कोर्ट को मिसलीड किया है यहाँ। बताइए कहाँ लिखा है आपने इस पिटीशन में ये पार्टीशन सूट के बारे में? ये तो बाद में लगाया ना लॉर्ड सिंह, ये तो पहले यहाँ पर लगाया उसके बाद में फिर उसको नहीं, वो 12 को लगा है लॉर्ड, इसमें है फर्स्ट पेज में 12 को और 13 को लगा यहाँ। ये सूट किस तारीख को लगा है? 12 को फाइल हुआ है वहाँ और यहाँ 13 को फाइल हुआ है एमपी। तो लॉर्ड से वो संपत्ति पे हक और स्वामित्व के लिए लगाए हैं लॉर्ड से, तो वही लड़िएगा। और ये 16/9/2022 के अगेंस्ट यहाँ पर लगाए लॉर्ड से, इसको कुछ है नहीं इसमें। मिस सविता चौधरी लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटीशनर, दिस मिसलेनियस पिटीशन श्रीमती गीता रजक रिस्पोंडेंट नंबर 1 प्रेजेंट इन पर्सन अलोंग विद हर काउंसिल संतोष आनंद। यस नेक्स्ट, this petition is filed by the son being aggrieved of order dated 16/9/2022 passed by collector district Jabalpur in case number 0058/appeal/02022/23 आपकी माताजी की एज क्या है? अराउंड 65 माय लॉर्ड्स। ठीक है, वेयर बाय लर्नेड कलेक्टर हैज पास्ड एन ऑर्डर अंडर द इनवोकिंग द प्रोविजंस ऑफ उस एक्ट निकालिएगा सीनियर सिटीजन का भरण पोषण वाला अधिनियम का पूरा नाम लिखा दीजिएगा इतना इतना, एंड हैज ask the petitioner to leave the house of the respondent which was constructed by her husband on the ground that she has a threat from her daughter-in-law and she has been externed from that house without any rhyme or reason. Next, Ms. Savita Chaudhary submits that her client is willing to keep the mother full stop. She is not living with her full stop. At this stage, Shri Santosh Anand submits that a suit for partition is also filed by the petitioner as is registered before the district court Jabalpur as RCS 1287/2022 Rajesh Rajak versus Geeta Rajak, and this fact is suppressed in the present writ petition. Full stop. Miscellaneous petition. Full stop. It is submit next where at this stage Ms. Savita Chaudhary submits that her client has small children and some time be granted to her to vacate the house. Next where, taking these facts into consideration and with the consent of the opposite party Srimati Geeta Rajak, it is directed that petitioner shall vacate the house on or before 30th January 2023. Shall hand over vacant possession of the property in favor of sir 15 din rakhi hai sir in favor of the non respondent Srimati Geeta Rajak. Full stop. As far as merits are concerned, there is no substance in the petition, especially when mother is present before this court. She has categorically made allegations against the daughter-in-law and the son, pointing out that there is threat to her life and the purpose and object of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act
is to protect the interests of the senior citizens and recognize senior citizens full stop. In view of such facts, petition being devoid of merit deserves to be dismissed and is dismissed with the direction that vacant possession of the suit property shall be property in question shall be handed over in favor of the respondent on or before 30 January 2023, failing which respondent will be entitled to seek interference from the concerned court for executing the orders of the collector. छोटा सा समझे तो फरवरी तक पेपर है बच्चों का फरवरी तक कर देते नहीं, नहीं वो तो 15 दिन बोल रही थी हमने आपको 30 दिन दे दिया और कलेक्टर ने तो 60 दिन दिया माय लॉर्ड इसी ग्राउंड दिया किराए का मकान ढूंढ के चले जाइए लॉर्ड सिंह अगर एक बार फैमिली मैटर में बात करते तो मना कर दिया ना उन्होंने आपके सामने पूछा था कंसीलिएशन तो जब ही हो सकता है मीडिएशन जब दोनों पक्षकार तैयार हो आपके सामने पूछा था ना मैडम हमने